अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मौका 13 जून तकरीबन 11:30 या 12:15 के बीच की बात है। मुझको हमारे मालदा सिवार 11,000 कॉलोनी जाने लगो जो मोरी पड़ती है, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे एक होटल वाला है, उस बंदे का नाम नहीं इल्म मुझको। उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि शेखर अन्ना का मल्ला है वहाँ पर, और ये कचरा डिपो के पीछे एक लाश पड़ी हुई। तो मैं उसके साथ मैं यहाँ आया और उसके साथ में 2-3 लोग को लेके हम लोग क्राइम सीन पर आए। 3 जन थे हम लोग, दूर से खड़े होकर हम लोग ने देखे कि यहाँ पर झाड़ी के बीच में 2-3 जड़ थी, टहना झाड़ सूखा हुआ झाड़ टुकड़ा पड़ा हुआ था लकड़ी का खूब, और उसके पीछे उसका एक ये पंजा दिख रहा था और ये एक सीधे पैर का पूरा पाँव दिख रहा था, बाकी पूरा सब झाड़ी में दबा हुआ था। हम लोगों ने दूर से जब देखा, देखने के बाद हम लोग फ़ौरन यहाँ से हटे, और हटने के बाद जो है तो मालेगांव शहर पावर वाली पाटिल साहब को फ़ोन लगाया और इस बात की इतना दी। उन्होंने कहा ब्रिज के नीचे रुकी, हम लोग वहाँ आ रहे। फिर वो यहाँ आए, फिर हम लोग उनके साथ में आए क्राइम सीन पर वापस। यहाँ आने के बाद साहब ने पूरा अच्छे से जायज़ा लिया और उनकी जो टीम थी उन लोगों ने भी यहाँ जायज़ा लिया पूरा अच्छे तरीके से। साहब ने बोला कि जो लाश है, लाश के पैर में चप्पल नहीं है, आप लोग चप्पल ढूंढो। हम लोगों ने यहाँ पर इतने पूरे एरिया में चप्पल देखा, चप्पल भी नहीं, उसकी जेब में किसी भी किस्म का कोई सामान नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, या अगर वो कोई शौक करता होगा मिराज विमल पुड़ी कोई चीज़ ऐसे उसकी जेब में निकली नहीं, ना मोबाइल, ना गाड़ी या घर की कोई चाबी, कोई चीज़ यहाँ उसके पास थी नहीं। फिर सुधीर पाटिल साहब ने हम लोगों को कहा कि यार मैं यहाँ पर उनकी उन्होंने जो उनकी कानूनी प्रोसेदा थी वो पूरी की, वीडियो शूटिंग उन्होंने लिए यहाँ पर। लेने के बाद फिर हम लोगों को ये आफिस साहब कले मुझको और उन्होंने इनको हम लोग दोनों को बोला कि अब तुम लोग डेड बॉडी बाहर निकालो। जिस तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जिस तरीके उस पर झाड़ की टहनी उसके ऊपर पड़ी हुई थी, अब ये हादसा है, मर्डर है, कत्ल है, ये वल्ला आलम, ये तो पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन में आगे बताएगी। अभी हम लोग लाश निकाल के यहाँ रखे हुए नसीम कुश्ती साहब, फैयाद अफसर साहब, खाली सरहदी साहब, रेहान एम्बुलेंस वाला, हम लोग तमाम लोग यहाँ पर है, और इसकी जो है तो कानूनी कार्रवाई के लिए अभी लाश को हम लोग मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले हैं। और अभी किसी ने बताया कि यार कोई 4-5 दिन से लापता है कोई बंदा, तो शायद वो जो बंदा लापता है उसके घर यहाँ घर वाले यहाँ आने वाले हैं इलाज करके शनाख्त के लिए। वो होने के बाद मैं नसीम कुश्ती, हम लोग सब तमाम लोग यहाँ एम्बुलेंस वाले, हम लोग तमाम लोग यहाँ से इस बॉडी को तमाम सोशल वर्कर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। बाकी की जो कानूनी कार्रवाई है वो सुधीर पाटिल साहब और उनकी टीम कर रही है, आगे क्या है, क्या तफ्तीश है, क्या मामला है, वो तो पुलिस ही बता पाएगी। सर आप लोग ऐसी बॉडियाँ उठाते रहते हैं, तो ये बॉडी देखने के बाद क्या लगता है कि कितने दिन से ये बॉडी यहाँ पर है? ये बॉडी को मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 दिन हो गया होगा, 15 दिन से यहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई है, और 15 दिनों से तकरीबन 15 दिन तो हो ही गए एक अंदाज से। डिकम्पोज बॉडी है, पूरा चेहरा उसका जो है तो पूरा गल गया है, और पूरे चेहरे के अंदर जो ज़मीनी कीड़े होते हैं वो पूरा उसको खा गए पूरे चेहरे को, उसको देखना या दिखाना इंतहा मुश्किल मुकाम है। क्या उम्र लगती है? उम्र अंदाजन तकरीबन 35 से 40 साल है, और उसकी खतना हुई है, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी है, वाइट कलर के टी शर्ट पहना हुआ है बगैर कलर वाली फुल अस्तीन की, और ग्रे कलर की जीन्स पैंट है जिसके पीछे डेनिम जीन्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आप कुछ शहरियान भी कुछ अपील करेंगे कि भाई ऐसी बॉडी मिली है, अगर कुछ शनाख्त करने के लिए अगर कोई आए तो कहाँ पे आए अगर किसी को मिली? आम तौर से ये होता है ना कि घर की जो खातिन होती है वो अच्छी से जानती है कि उनके घर के जो अफराद होते हैं वो कौन सा कपड़ा पहने, उनको कपड़ा मालूम रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई शख्स मालेगांव शहर से या किसी भी शहर से गुमशुदा हो, जो शनाख्त मैंने बताई है कि वाइट कलर की, फुल वाइट कलर की टी शर्ट है बगैर कलर वाली और फुल अस्तीन की है, और उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, और प्लस ग्रे कलर की डार्क किले ग्रे कलर की जींस पैंट है, वो डेनिम कंपनी की जींस पैंट है, और चप्पल वगैरह यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। क्राइम सीन पे यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं कि जिससे शनाख्त की जा सके। और मेरी शहरियान से ये अपील है, नशा इंसान के लिए फना है। अगर कोई भी शख्स नशा करता है, ये करता है, उसको शुद्ध नहीं होता, उसको होश नहीं होता है, कहीं पर भी नालों में, गटरों में, खेतों में कहीं गिर जाते हैं और हादसाती इस तरीके से मौत हो जाती है। तो मेरी यही अपील है कि ऐसे नशे से दूर रहे जो उनके लिए जान लेवा। जज़ाकुम अल्लाह खैरुन एहसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ज़िया भाई ने तफसील आपको बताई है,
और मैं मेरी ज़िंदगी का पहला यह तजुर्बा है कि ऐसी जो इतने दिन गुजरने के बाद कोई डेड बॉडी को उठाने का मुझे मौका मिला। तो आज समझ में आया कि जो सोशल वर्कर इस फील्ड में काम कर रहे हैं कितनी हिम्मत और ज़रूरत का काम है। उनकी ज़रूरत और हिम्मत को सलाम। जो लोग ये काम कर रहे हैं ऐसे अफराद का कौम में और समाज में होना बहुत ज़रूरी। रही बात ये डेड बॉडी के ताल्लुक से, इन्होंने जितनी बातें बताई ये सारे प्रोसेस इनके सामने है और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरी शहरियान से अपील है कि जान जान होती है, चाहे किसी की भी हो। यहाँ तक कि जान लेने का इख्तियार जान के मालिक को भी नहीं है। जिसकी खुद की जान है वो अपनी जान अपने हाथ से भी नहीं ले सकता। तो जान की बहुत अहमियत है इस्लाम में और हमारे समाज में, लेकिन आज जिस तरीके से बगैर अहमियत के साथ हमारे समाज में हमारे शहर में जो जान जाने का मामला वाक़ात आ रहे हैं ये बहुत अफसोस का मकाम है। और इसके ऊपर संजीदगी से सोचने का मकाम है कि शहरियान के जो बाशौर तबके है इसके ऊपर बैठकर सर जोड़कर बैठे और इसके ऊपर एक बड़ा फैसला ले। आज शहर के जो हालात है ये सबके सामने है कि जान की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। माल ओहदे इक्तदार के लिए लोग किसी की भी जान लेने और देने से डर नहीं रहे। लिहाजा आज के ऐसे मौसम के अंदर ऐसे माहौल के अंदर समाज के बाशूर लोगों का जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ऐसे मामलों के ऊपर संजीदगी से सोच विचार करें और नशा जैसी लानत जो हमारे समाज में दीमक जैसी घुसते जा रही है और हमारे ही लोग इसकी कुछ तो बनाई कर रहे हैं। तो ऐसे समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ हमको आलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। उनको अपने समाज से उनसे कैसे हमारे नौजवानों को हमारे बच्चों को महफूज करें इसके ऊपर कड़ा कदम उठाना चाहिए। और मैं आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये जो तफ्तीश उन्होंने की है इसके ऊपर ये हादसाती मौत है या तिब्बी मौत है या फिर क्या कत्ल है इसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए और समाज के लोगों के सामने ये पूरी रोदात पेश की जाए कि यह असल मामला है क्या। ठीक है, तमाम इधर से ले, ये जो वहां सब खड़ी है काय के लिए खड़ी है क्या? ये भी ले, ये भी नंबर ले नंबर के साथ।